सीरीज में हम स्किन से रिलेटेड जुड़ी हुई हर बीमारियों को कवर कर रहे हैं, क्योंकि समाज में ऐसी बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं स्किन को लेकर के। एक स्किन की रोगी को बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे रोगी तो ऐसे होते हैं जो अपनी समस्या को किसी को बता भी नहीं सकते, उन्हें इसे बताने में शर्म आता है, उन्हें यह डर लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। बहुत सारे स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर तो ऐसे होते हैं जिसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो या तो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं या फिर हमारे स्किन में हमेशा के लिए रहते हैं, चाहे आप उसमें कोई भी ट्रीटमेंट कर लो। बस आपको कुछ सावधानियां रखनी है। स्किन से रिलेटेड बीमारियां बहुत तरह तरह की होती हैं। बहुत सारी बीमारियों में हमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम करें क्या, इस ट्रीटमेंट में हम किसे दिखाएँ, क्या करें, इस बीमारी को कहते क्या हैं, तो उसी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे पाइबाल्डिज्म के बारे में। ये एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो 1 लाख में किसी एक को होता है। ये होता क्यों है? हमारे बॉडी के अंदर मिलेनोसाइट्स एक तरह के सेल हैं जो मिलानिन बनाते हैं। मिलानिन क्या करता है? हमारे बॉडी को कलर देता है, हमारे हेयर को, हमारे स्किन को, हमारे आइज़ के आइरिस को भी। जब ये अपना काम सही से नहीं कर पाता मिलेनोसाइट, तब मिलानिन का प्रोडक्शन सही से नहीं होता और जिसकी वजह से पाइबाल्डिज्म होने लगता है। ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, ज़्यादातर ये फ्रंटल पार्ट में होता है। अगर ये स्काल्प एरिया पे हुआ है तो वहाँ से हेयर भी वाइट निकलेंगे। किसी किसी के आंखों की आयरिस की कलर भी लाइट कलर की हो जाती है पाइबाल्डिज्म की वजह से। ऐसे तो ये हार्मलेस है और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं फैलता, तो इसके लिए कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। उस पार्ट को सन में कम से कम एक्सपोज करें, नहीं तो वहाँ पर यूवी रेज की वजह से सनबर्न होने का खतरा है। अगर आपको इस पर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अपने नज़दीक के डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्किन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।